अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इफ्तिखार और कार रिव्यू के एक और एपिसोड के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हुआ हूं। आज की जो हमारी गाड़ी है वो है टोयोटा एक्सियो। अगर आप लोगों के पास, मैं कहता हूं कि 2.5 मिलियन का बजट है, 25 लाख रुपए का अगर आप लोगों के पास बजट है और आप 25 लाख में एक बहुत ही तगड़ी, अच्छी और पायदार गाड़ी लेना चाहते हैं तो मैं आप लोगों को रेकमेंड करूंगा कि आप लोग टोयोटा एक्सियो की तरफ जाएं। आज की इस वीडियो में आप लोगों को एक तो इस गाड़ी की कम्प्लीट डिटेल रिव्यू दूंगा, इस गाड़ी के इंटीरियर के बारे में बात करेंगे, एक्सटीरियर के बारे में बात करेंगे, इस गाड़ी में क्या क्या फीचर्स हैं उसके बारे में बात करेंगे, इस गाड़ी की फ्यूल एवरेज कितनी है उसके बारे में बात करेंगे, इस गाड़ी की रोड ग्रिप वगैरह कैसी है, और इसके अलावा इस गाड़ी की जो है वो प्राइस भी डिस्कस करेंगे कि आप लोगों को ये मार्केट में कितने की गाड़ी मिल जाएगी। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके फ्रंट से, फ्रंट पे अगर आप लोग देखें तो इसकी हेडलाइट जो है वो हेलोजन बल्ब में मिलती है। नीचे आप लोगों को जो है वो फोग लैंप दिए गए हैं। सेंटर में अगर आप देखें तो ये जो है क्रोम की आप लोगों को ग्रिल दी गई है। इसके सेंटर में लोगो और नीचे भी जो है वो आप लोगों को छोटी सी ग्रिल दी गई है। मतलब ओवरऑल इसकी जो फ्रंट की शेप है वो मैं कहूँगा बड़ी बल्कि सी शेप है, खूबसूरत शेप है, आपको एक आप कह लेंगे रोबदार एक शेप है। मतलब ऐसे नहीं लगता कि यार बड़ी ही कोई छोटी सी, या जैसे कि टोयोटा यारिस है उसको देख के तो लगता है कि यार कोई छोटी सी गाड़ी है, कोई नॉर्मल सी गाड़ी है। तो मतलब इसको देख के दूर से फीलिंग आती है कि यार एक अच्छी गाड़ी, तगड़ी मजबूत गाड़ी आ रही है। इसके अलावा अगर गाड़ी की साइड प्रोफाइल की बात करें तो गाड़ी की साइड प्रोफाइल भी है वो भी काफी खूबसूरत है। साइड से जो इसकी प्रोफाइल लुक है वो आप लोगों को टोयोटा क्रोला GLI की जो शेप है, जो कि 2009, 10, 11, 12, 14 मॉडल थी, उसकी शेप की तरह इसकी शेप है। इसके अलावा टायर्स की बात करें तो आप लोगों को इसमें 15 इंच के टायर्स मिलते हैं। इसके जो अलॉय व्हील्स हैं वो कंपनी फिटेड हैं। यहाँ पर आप लोगों को जो है वो इसका साइड इंडिकेटर, ये इसके जो साइड मिरर हैं वो ऑटो रिट्रैक्टेबल हैं। इसके अलावा डोर हैंडल पे अगर आप लोग देखें तो आप लोगों को जो है वो कीलेस एंट्री का बटन मिलता है, क्योंकि ये जी पैकेज है, जी पैकेज में आप लोगों को ये स्मार्ट एंट्री मिलती है। अदरवाइज अगर इसका एक्स पैकेज होगा तो उसमें आप लोगों को स्मार्ट एंट्री का ऑप्शन नहीं मिलेगा। इसके अलावा अगर आप गाड़ी का रियर व्यू की बात करें तो इसका रियर व्यू भी काफी खूबसूरत है। जिस तरह फ्रंट से गाड़ी बल्कि सी नजर आती है, इसी तरह बैक से भी गाड़ी आप लोगों को थोड़ी सी रोबदार सी, थोड़ी सी बल्कि सी नजर आएगी, क्योंकि सेडान कार है और डिग्गी वाली गाड़ी है। बैक साइड पे इसकी जो लाइट्स हैं, हेलोजन बल्ब दिए गए हैं लाइट्स में। यहाँ पर एक्सियो का लोगो, दरमियान में ये क्रोम की सारी जो है लाइन दी गई है, सेंटर में जो है वो टोयोटा का लोगो, और वहाँ पर जो है जो भी गाड़ी का वेरिएंट होगा उसकी यहाँ पर डिटेल दी गई है। इसके अलावा अगर गाड़ी का ट्रंक स्पेस की बात करें तो गाड़ी की जो ट्रंक स्पेस है वो भी काफ़ी ज़्यादा बड़ी है। इसमें जो है वो तकरीबन 3 से 4 बड़े सूटकेस इजीली आ सकते हैं। अगर आप लोगों ने टोयोटा क्रोला GLI की ट्रंक स्पेस देखी है तो इस गाड़ी की जो ट्रंक स्पेस है वो मैं कहूँगा सेम उतनी ही है। उसकी जो ट्रंक स्पेस है वो भी काफ़ी खुली है, इसकी भी ट्रंक स्पेस जो है वो काफ़ी ज़्यादा खुली है। ये देखें जो ट्रंक स्पेस मैं आप लोगों को क्लोज करके थोड़ी सी दिखा देता हूँ, काफ़ी खुली है। नीचे अगर आप लोग देखें तो आप लोगों को स्पेयर व्हील का ऑप्शन दिया गया है, नीचे आप स्पेयर व्हील्स वगैरह, जैक पाना वगैरह रख सकते हैं, और स्पेस ओवरऑल काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, काफ़ी खुली है। इसके अलावा अगर आप गाड़ी की लेग स्पेस की बात करें तो लेग स्पेस भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, रीजनेबल है, खुली लेग स्पेस है। मतलब अंदर से गाड़ी काफ़ी खुली है, आप इजी होकर इसमें बैठ सकते हैं। इसके अलावा अगर गाड़ी के स्टेयरिंग की बात करें तो स्टेयरिंग जो है वो इसका टिल्टेड भी है और टेलीस्कोपिक भी है, एडजस्टेबल है। और इसके अलावा जो इसका स्टेयरिंग है वो मल्टीमीडिया स्टेयरिंग है। फ्रंट की तरह अगर हम बैक की बात करें तो बैक पे भी जो इसकी स्पेस है वो ठीक है, अच्छी है, रीजनेबल है। मतलब एक नॉर्मल बंदा इसमें इजी होके, खुला होके बैठ सकता है। हाइट की बात करें तो हाइट भी ठीक है इसमें, मतलब एक नॉर्मल बंदे का सर ऊपर जो है वो नहीं लगेगा। हाँ, इसके अलावा अगर कोई बल्कि हेल्दी बंदा बैठेगा तो शायद उसको थोड़ा सा बैठने में मसला हो सकता है। इसके अलावा अगर आप गाड़ी की रोड क्लियरेंस की बात करें तो मोस्टली आप लोगों ने सुना होगा और देखा होगा कि जैपनीज गाड़ियां जो होती हैं उनकी रोड क्लियरेंस जो है वो कुछ खास नहीं होती। 5-6 लोग बैठ जाएं गाड़ी में तो गाड़ी जो है हर स्पीड ब्रेकर पे गाड़ी जो है वो नीचे लगती है, लेकिन इस गाड़ी का मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है, इसकी रोड क्लियरेंस जो है वो काफ़ी अच्छी है। चलिए अंदर के फीचर्स की कुछ बात कर लेते हैं। अंदर के फीचर्स की बात करें तो गाड़ी के जो चारों विंडोज़ हैं वो पावर हैं। गाड़ी की जो ये सीट है, ड्राइवर सीट है, ये एडजस्टेबल है, यहाँ से आप लोग इसको अप या डाउन कर सकते हैं। अंदर देखें तो यहाँ पर आप लोगों को जो है वो साइड मिरर मूवेबल का ऑप्शन मिलता है, और साथ ही इसके जो है वो साइड मिरर रिट्रैक्टेबल का बटन दिया गया है। यहाँ पर अगर आप देखें तो ये सिक्योरिटी फीचर है। इसके साथ अगर आप लोग यहाँ पर देखें तो ये हेडलाइट एडजस्टर है, यहाँ पर ये फोग लैंप का बटन है। ये बटन बहरहाल आफ्टर मार्केट जो है इंस्टॉल करवाया गया है। इसके अलावा अगर आप गाड़ी के अंदर देखें तो गाड़ी का जो डैशबोर्ड है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। यहाँ पर आप लोगों को इसका AC ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल का ऑप्शन मिलता है, और ये इसका फ्रंट विंड स्क्रीन का डिफोगर है, ये बैक स्क्रीन का डिफोगर है, ये आप लोगों को सेंटर में मल्टीमीडिया, और ये नीचे आप लोग देखें तो CVT गियर, यहाँ पर छोटा सा बिल्ट इन एस्ट्रे है, और साथ ही इसके जो है लाइटर की स्पेस दी गई है। यहाँ पर अगर आप देखें तो हैंड ब्रेक के साथ भी आप लोगों को दो जो है वो कप होल्डर, ग्लास होल्डर मिलते हैं। यहाँ पर अगर आप लोग देखें तो इसमें आर्मरेस्ट का ऑप्शन भी दिया गया है, जो कि बड़ा ही एक अच्छा मैं कहता हूँ कि ऑप्शन है।
गाड़ी की सीट्स की बात करें तो गाड़ी की सीट्स जो है वो बहुत ज्यादा कंफर्टेबल है। मतलब अगर आप इस गाड़ी को किसी और सेडान गाड़ी जीएलआई यारिस वगैरह से कंपेयर करते हैं तो उसकी निस्बत इस गाड़ी की जो कंफर्टेबिलिटी है वो बहुत ज्यादा है। इस गाड़ी की सीट्स जो हैं वो सोफा सीट्स हैं और फैब्रिक की सीट हैं और स्पोर्ट्स बकेट सीट हैं, बड़ी कंफर्टेबल है। मतलब मैंने इस पर लॉन्ग पर ट्रैवल किया, गाड़ी आप लोगों को थकावट फील नहीं करवाती। इसके अलावा यहाँ पर एक डोर पे अगर आप लोग देखें तो इस पे जो है ये फैब्रिक की कुशनिंग की गई है चारों डोर्स पे, यहाँ पर भी है और फ्रंट दोनों डोर्स पे भी है और बैक वाले दोनों डोर्स पे भी इस पे फैब्रिक की कुशनिंग की गई है। बैक सीट्स जो हैं वो भी इसकी काफ़ी कंफर्टेबल हैं। बैक सीट के सेंटर में भी आप लोगों को होंडा सिटी की तरह यहाँ पर जो है वो आर्म रेस्ट प्लस ये ग्लास होल्डर दिया गया है। चलिए जी गाड़ी को स्टार्ट करते हैं। गाड़ी की एक तो कीलेस एंट्री है जो कि मैं आप लोगों को बता सकता हूँ, इसके अलावा गाड़ी जो है वो पुश स्टार्ट है, यहाँ से गाड़ी जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। और ये जो है वो गाड़ी का ऑडोमीटर है, ऑडोमीटर में आप लोगों को यहाँ पर जो है वो आरपीएम का ऑप्शन दिया गया और साथ यहाँ पर ये स्पीडोमीटर, स्पीडोमीटर के अंदर ही आप लोगों को गाड़ी की माइलेज और फ्यूल एवरेज वगैरह की डिटेल देगा। साथ ही स्पीडोमीटर के साथ अगर आप देखें तो फ्यूल की गेज है और यहाँ पर आरपीएम के साथ देखें तो हीट एंड कूल की गेज दी गई है। इसके अलावा अगर गाड़ी के डैशबोर्ड की स्पेस की बात करें तो यहाँ पर आप लोगों को टिश्यू बॉक्स वगैरह के लिए अच्छी खासी स्पेस मिल गई है। इसी तरह यहाँ पर भी आप लोगों को ग्लव्स बॉक्स में भी अच्छी खासी स्पेस मिल जाती है। ऊपर की जानी देखें तो यहाँ पर आप लोगों को जो है वो वेंट मिरर दिया गया है। इसके अलावा सेंटर मिरर जो है वो इसका डिमिंग मिरर है और यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर भी आप लोगों को वेंट मिरर दिया गया है। मतलब यह कि गाड़ी जो है वो ओवरऑल इसका इंटीरियर जो है वो काफी ज्यादा खूबसूरत है। इसके अलावा मजे की बात यह है कि इस गाड़ी में इकोनॉमी मोड भी है। आप देख लें ऑडोमीटर में आप लोगों को शो हो रहा होगा, अगर आप लोग इकोनॉमी मोड पर गाड़ी को ड्राइव करते हैं तो गाड़ी की जो फ्यूल एवरेज है वो बहुत ज्यादा अच्छी होती है। मतलब यह कि अगर आप 100 एंड 110 की स्पीड तक गाड़ी चलाते हैं तो गाड़ी जो है वो इकोनॉमी मोड पर चलेगी, उसके बाद जो है गाड़ी जो है वो इकोनॉमी मोड से हट जाएगी। गाड़ी की अगर आप ड्राइव की बात करें तो गाड़ी की जो ड्राइव है वो बड़ी ही कंफर्टेबल है। मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूं, आप लोग इस गाड़ी को अगर आप पाकिस्तानी किसी भी गाड़ी से, सेडान गाड़ी से, यूज गाड़ी से कंपेयर करते हैं तो मैं कहता हूं ये उन सब से बेस्ट कार है। उन सब गाड़ियों से इस गाड़ी की रोड क्लियरेंस एक तो बड़ी अच्छी है, रोड ग्रिप बड़ी अच्छी है और जो ड्राइव है वो बड़ी ही स्मूथ और बड़ी ही कंफर्टेबल ड्राइव है। आज की इस वीडियो में मैंने इस गाड़ी के बारे में आप लोगों को काफी ज्यादा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी है। चंद एक चीज़ें रह गई हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूं। नंबर एक तो अगर इस गाड़ी की फ्यूल एवरेज की बात करें तो इस गाड़ी की जो फ्यूल एवरेज है वो विद इन सिटी में विद एसी के साथ आप लोगों को तकरीबन 14-15 की एवरेज देती है। और लॉन्ग पे अगर आप लोग ट्रैवल करें और आप लोग थोड़ा हल्के पाँव से मतलब 100-120 की अगर आप स्पीड रखें तो आप लोगों को तकरीबन 15-17 की फ्यूल एवरेज देती है। इसके अलावा अगर गाड़ी की प्राइस की बात करें तो ये जो है 2006 मॉडल है और 2006 और 2007 मॉडल की जो गाड़ी है वो आप लोगों को तकरीबन 22 लाख से लेकर 25 लाख के बजट के दरमियान में आप लोगों को ये गाड़ी इजीली मिल जाएगी। इसके अलावा अगर गाड़ी के इंजन की बात करें तो इसका 1500 सीसी जो है वो इंजन है और 4 सिलेंडर इंजन है इसका। और गियर की बात करें तो इसमें जो है वो सीवीटी गियर का इस्तेमाल किया गया है, इसमें एबीएस ब्रेक का इस्तेमाल किया गया है। इसके अलावा अगर गाड़ी के आप एसी की बात करें तो इस गाड़ी का जो एसी है वो भी काफी ज्यादा चले, बल्कि जैपनीज गाड़ी जितनी भी है इनका जो एसी परफॉर्मेंस है वो बहुत ज्यादा अच्छी होती है। इसके अलावा अगर आप मेरी रिकमेंडेशन की बात करें तो गाड़ी जो है वो मैंने खुद ड्राइव किया है, बल्कि काफी अर्से मैं इसको यूज कर रहा हूँ। ओवरऑल गाड़ी जो है वो बड़ी अच्छी है, बड़ी कंफर्टेबल है विद इन सिटी के लिए भी और लॉन्ग के लिए भी। इसके अलावा अगर आप सिक्योरिटी फीचर्स की बात करें तो इस गाड़ी में जो है वो 2 एयरबैग दिए गए हैं, एक ड्राइवर साइड पे और दूसरा पैसेंजर साइड पे। इसके अलावा अगर गाड़ी के पार्ट्स की बात करें तो गाड़ी के पार्ट्स जो है वो किसी भी बड़े सिटी से इजीली आप लोगों को इसके पार्ट्स मिल जाएंगे। तो ये थी आज की हमारी वीडियो, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को हमारी इन्फॉर्मेटिव वीडियो अच्छी लगेगी। हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।